वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज हमारा मैंसुरेशन टू का टॉपिक चल रहा था और मैंसुरेशन टूडी के टॉपिक में हम आज बहुभुज पर चर्चा करेंगे ठीक है बहुभुज को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं पॉलीगन? जो पॉलीगन होता है उसके अंदर कम से कम तीन साइड्स का होना जरूरी है जैसे त्रिभुज त्रिभुज में कितने वर्टेक्स हैं और कितने साइड हैं, कितनी साइड से त्रिभुज के अंदर तीन साइड्स होती हैं और वर्टेक्स कितने होते हैं तीन तो बहुभुज के अंदर सबसे पहले चीज क्या होती है देखो बहुभुज बनता कैसे है? मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जैसे बहुभुज की बात करी तो ये बहुभुज है इसके अंदर कितने बिंदु हैं देखो सबसे पहले आप ये दो बिंदु मान लो आप ए और बी आप मुझे ये बताएं कि ये हो सकता है क्या बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स होना जरूरी है कम से कम तीन साइड्स होना ज़रूरी है ठीक है तो अगर मैं बात करूं इसकी कि ये पॉलीगन हो सकता है क्या आपने कहा सर हो सकता है ये बिंदु मैंने सी मान लिया इसमें कितनी साइड्स हैं इसमें तीन साइड्स हैं क्लियर है अगर मैं आपसे कह दूं कि ये क्या है इनके ये वर्टेक्स हैं इनको क्या बोलते हैं सीड्स बोलते हैं क्या बोलते हैं शीर्ष या शीर्ष बिंदु कह सकते हैं बात आ रही है ना समझ में आपको तो आप कह सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हुई समतली आकृति को क्या कहते हैं आप बताओ सरल रेखा आकृति कहते हैं क्या कहते हैं तीन या तीन बिंदु से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं सरल रेखा आकृति और सरल रेखा आकृति के अंदर ही त्रिभुज ये बहुभुज होता है तो सबसे पहले हम बहुभुज की डेफिनेशन देखेंगे ठीक है ऐसी कोई भी बंद आकृति जिसमें जिसकी कम से कम तीन भुजाएं होना जरूरी है तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ऐसी बंद आकृति ऐसी बंद आकृति जिसकी कम से कम कम से कम तीन भुजाएं होना तीन भुजाएं होना जरूरी है ठीक है पॉलीगन क्या कहलाता है कोई भी बंदा करती जिसकी कम से कम तीन भुजाएं होना जरूरी है वो क्या कहलाता है एक बहुभुज कहलाता है और बहुभुज में देखो आप सबसे मैं पहले बात कर रहा हूँ इसकी त्रिभुज की जो ये ए है बिंदु ए है बिंदु बी है और बिंदु सी है ये तीनों क्या है बताओ इनको क्या बोल बोल सकते हैं इन तीनों को आप वर्टेक्स बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं वर्टेक्स जिसको अपन क्या बोलेंगे शीर्ष बिंदु क्या बोलेंगे शीर्ष बिंदु ठीक है इसमें ए बी सी क्या है शीर्ष बिंदु है अगर मैं बात करूं ए बी और बी सी और क्या है ए सी ये क्या है इसमें बुझाएं हैं क्या है बुझाएं हैं ठीक है तो इनको क्या बोल सकते हैं साइड्स बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं साइड्स ठीक है और ए बी रेखाखंड है बी सी भी रेखाखंड है और एसी भी क्या है रेखाखंड है ये तीन रेखाखंड है बात आई कि नहीं आई समझ में बताओ अब बहुभुज को भुजाओं की संख्या के और कोणों के माप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह कितने भी भागों में बहुभुज कितने भी हो सकते हैं ठीक है अगर मान लो मैं इनकी जो ये साइड्स हैं इन भुजाओं को हमेशा मैं किससे दर्शाऊंगा से दर्शाऊंगा किससे दर्शाऊंगा तो किस देखो दर्शा कोणों के आधार पर और वे भुजाओं के आधार पर के आधार पर बाहूबुज के क्या बाहूबुज के प्रकार हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे इसमें कि इसके अंदर कितने टाइप होते हैं एक तरीके से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बहुभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले अगर n की वैल्यू तीन है क्या है n की वैल्यू तीन तो वो कौन सा होगा बताओ वो ट्रेंगल होगा कि नहीं होगा ये बताओ आप त्रिभुज क्या होगा त्रिभुज ठीक है त्रिभुज देखो त्रिभुज में कैसी आकृति होगी ये होगी तीन साइड्स हैं इसके अंदर कितनी साइड्स हैं ए बी और सी वर्टेक्स भी कितने हैं तीन हैं ये त्रिभुज है अगर एन का बराबर चार हो तो बताओ क्या होगा रेक्टेंगल क्या होगी रेक्टेंगल पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट रेक्टेंगल इसको क्या बोल सकते हैं बताओ आयत बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं या आप क्या बोल सकते हैं चतुर्भुज बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं चतुर्भुज बोल सकते हैं ठीक है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है इसके कितने वर्टेक्स हो गए बताओ इसके चार वर्टेक्स हो गए कितने वर्टेक्स हो गए चार वर्टेक्स तीसरा पॉइंट क्या है अगर एन बराबर क्या है पाँच है और पांच में क्या होता है पेंटागन इसे बोलेंगे क्या हिंदी में पंचभुज बोलेंगे क्या बोलेंगे पंचभुज पंचभुज कैसा होता देखो एक भुजा दो भुजा तीन भुजा और ये चार भुजा और ये क्या है पांच बुजा एक दो तीन चार पांच। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे नहीं बनाना चाहो तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं एक दो तीन चार और ये क्या है पांच। क्या है पंचभुजे ठीक है चौथा क्या है बताओ n बराबर अगर छ हो n बराबर अगर क्या हो छ तो एन बराबर छे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में बताओ अगर जिसकी जिस भावुज में छह बुझाए हों उनको क्या बोलते हैं हेक्सागन बोलते हैं क्या बोलते हैं हेक्सागन हेक्सागन इसको क्या बोलेंगे षटभुज क्या बोलेंगे षटभुज ठीक है षटभुज कैसा होगा देखो ऐसा इस तरीके से तो तीन चार पाँच और ये क्या है बताओ छ तो ये क्या है बताओ शटभुज है कि नहीं है ये बताओ शटभुज दिख रहा है आपको एक दो तीन चार पाँच और ये छ अगर एन के छ भुझाए हों तो वो क्या है षटभुज सप्तभुज को हेप्टागन बोलते हैं ऐसे ही और ऑक्टागन को क्या बोलते हैं अष्टभुज बोलते हैं ऑक्टागन को क्या बोलते हैं अष्टभुज मैं एक बार यहां पर पाँचें पॉइंट को यहां दर्शा देता हूँ एन की वैल्यू अगर कितनी हो सात हो तो उसे क्या बोलेंगे बताओ ऑक्टागन बोलेंगे क्या बोलेंगे ऑक्टागन और ऑक्टागन का मतलब क्या होता है अष्टभुज होता है क्या होता है अष्टभुज ठीक है आठ आठ सॉरी आठ एन की वैल्यू अगर आठ हो तो तो देखो ये कैसा होता है एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये क्या है बताओ क्या है आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा ठीक है इस तरीके से देखो बहुभुजों में हमने कोणों वे उनके बुजाओं के आधार पर बहुभुजों के प्रकार पढ़े। कुछ विशेष प्रकार के बहुभुजों के प्रकार हैं, ठीक है थीके? जैसे सबसे पहला है उत्तल बहुभुज पहला क्या है उत्तल बहुभुज बहुभुज ठीक है ये क्या होता है देखो जैसे मैं बात करता हूं उत्तल बहुभुज की उत्तल बहुभुज में ऐसे बहुभुज आते हैं जिनके इंटीरियर एंगल में 180 से कम कौन होता है ठीक है जैसे मैं बात करता हूं ये एंगल इस तरीके से इस तरीके से फिर उसके बाद इस तरीके से इस तरीके से छोटा ही बना देता हूं आप ये देखो इस बहुभुज के अंदर बताओ कि एक सौ अस्सी से कोई भी एंगल ज्यादा है किसका नहीं है ना तो ऐसा बहुभुज जिसके अंत कोणों अंत कोण 180 से कम होता है वो क्या कहलाता है उत्तल बहुभुज कहलाता है ठीक है ऐसा बहुभुज ऐसा बहुभुज कौन अंत है कौन एक सौ डिग्री से क्या होता है कम होता है उसे क्या कहते हैं बताओ उसे क्या कहते हैं उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं उत्तल बहुभुज कहते हैं ठीक है और दूसरा बहुभुज क्या होगा देखो दूसरा होगा अवतल बहुभुज ये क्या होता है ध्यान देंगे अपन ऐसा जिसमें अंत है कौन 180 से क्या होता है डिग्री से अधिक होता है अधिक होता है उसे क्या कहते हैं अवतल बहुभुज बहुभुज कहते हैं ठीक है जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने यहां पर आप बताओ इस एंगल का मान एक सौ अस्सी से ज्यादा है कि नहीं है? है ना सिंपल ले लो ना आप इस एंगल का मान एक सौ अस्सी से ज्यादा है कि नहीं है ठीक है ये त्रिभुज की भी अगर हम बात करें इसमें कोई भी एंगल एक सौ अस्सी से ज्यादा नहीं है ठीक है ये तो उत्तल बहुभुज और ये क्या है अवतल बहुभुज बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में ठीक है अब देखो क्या है समबाहु बहुभुज नेक्स्ट क्या है अब थर्ड है समबाहु बहुभुज समबाहु बहुभुज का मतलब क्या है भुजाएं समान होने चाहिए इस तरीके से ठीक है क्या होने चाहिए बुझाएं समान होने चाहिए ये बुझाएं बताओ समान है कि नहीं ऐसे उसको क्या कहते हैं बताओ सम बहुभुज कहते हैं ठीक है जिसकी जिस बहुभुज की जिस बहुभुज की, बहु की सभी भुजाएं सभी भुजाएं क्या हो सभी भुजाएं समान माप की हो उन्हें क्या कहते हैं समबाहु बहुभुज कहते हैं और नेक्स्ट क्या है समान कौनिक बहुभुज अब क्या है समान कौणिक बहुभुज ध्यान दो यहां पर समान कौणिक कौणिक बहुभुज समान कोणिक बहुभुज में क्या होता है जिस बहुभुज की के सभी कौन क्या हो कौन के सभी कौन समान माप के हों उन्हें क्या कहते हैं जैसे मान लो ये एंगल है ये एंगल है ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल ठीक है ये क्या है मान के चलो 120 डिग्री है ये वाले इस तरीके से ऐसे एंगल को क्या कहते हैं या ऐसे पॉलीगन को क्या कहते हैं बताओ समान कोने के बहुभुज कहते हैं बात आ गई आप इनकी इंग्लिश भी अगर लिखना चाहो तो इनको क्या बोलते हैं इक्वल लेटरल बोलते हैं इसको इक्वल लेटरल पॉलीगन लिख सकते हैं आप इसको ठीक है और इसको क्या बोलते हैं इक्वल एंगुलर पॉलीगन ठीक है अब लास्ट में बचा है आपका सम बहुभुज एक तो है समबाहु बहुभुज एक है सम बहुभुज क्या है अब नेक्स्ट क्या है पांचवा है आपका सम बाहु बहुभुज सम बहुभुज सॉरी बहुभुज ठीक है सम बहुभुज बहु इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगन क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन ठीक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहीं से आते हैं ध्यान रखना आप प्रश्न कहाँ से आते हैं यहीं से आते हैं और इसी में से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं रेगुलर पोलिगन में से ये रेगुलर पोलिगन होता क्या है ऐसा बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसमें कौन वे भुझाएं। वे भुजाएं दोनों दोनों किसकी हो समान माफ की हो किसकी हो समान माफ की हो उन्हें क्या कहते हैं सम बहुभुज कहते हैं क्या कहते हैं उन्हें सम बहुभुज कहते हैं जिसको रेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं ऐसा पॉलीगन मैंने बना दिया ये पॉलीगन क्या कहलाता है रेगुलर पॉलीगन कहा जाएगा इसको जिनकी साइड भी इक्वल है यह साइड इसके इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है और इसका एंगल भी क्या है इक्वल है ऐसे पॉलीगन को क्या कहा जाएगा यह क्या कहा जाएगा सम बहुभुज। सम बहुभुज। तो और भी होते हैं विषम बाहु बहुबुज और, और जिसकी भुजाएं अलग अलग हों वो विषम बाहु बहुभुज देखो यहां से हम विस्तृत चर्चा करेंगे पॉलीगन के ऊपर कि पॉलीगन में एग्जाम में क्या पूछा जाता है ठीक है पॉलीगन मैंने आपको बताया कि कम से कम कोई भी बंद आकृति जिसमें तीन भुजाओं का होना जरूरी है उसे आप क्या कहते हैं पॉलीगन कहते हैं तो देखो पॉलीगन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कितने तरीके से पूछे जाते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका साइड से रिलेटेड किससे पूछा जाएगा साइड से रिलेटेड ठीक है जिसको मैं एन से हमें से दर्शाऊंगा याद रखना है सेकंड है इंटीरियर एंगल सेकेंड क्या है इंटीरियर एंगल ठीक है और सी क्या है एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल्स और डी क्या है आपका डी है आपका डायगनल से रिलेटेड ठीक है डायगनल्स बोलते हैं विकर्ण को ठीक है डायगनल बोलते हैं विकर्ण को और एक्सटीरियर बोलते हैं बाह्य कोण को ठीक है और इंटीरियर बोलते हैं अंत कोण को और साइड्स बोलते हैं आप भुजा को तो सबसे पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से यह बता रहा हूं कि साइड्स क्या होती हैं इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और डायग्नल्स क्या होते हैं मैं सबसे पहले एक ये आकृति ले रहा हूँ ये वाली ठीक है इस आकृति को आप देखना ध्यान से ठीक है ये क्या है इसके वर्टेक्स हैं बताओ है कि नहीं वर्टेक्स? वर्टेक्स ये नहीं एक और डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पर एक दो तीन चार और ये क्या है पाँच ले लेता हूँ कितने ले लेता हूँ पाँच साइड कितनी है इसमें आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले इसमें साइड कितनी है साइड कितनी है तीन साइड है और ट्रेंगल कितना है बताओ त्रिभुज कितना है एक त्रिभुज है कितना है अब देखो इसमें आप आ गए इसमें साइड कितनी है चार कितनी साइड है इसमें साइड कितनी है पांच ठीक है मैं यहां से इसमें ये मिला दिया मैंने इसमें ठीक है इसमें देखो इसमें ट्रेंगल कितने बताओ ट्रेंगल दो है ना इसमें ट्रंगल कितने बताओ इसमें ट्रेंगल कितने होंगे एक दो और ये क्या है ये ट्रेंगल है क्या एक ठीक है देखो एक पूरा भाग गया एक ये दो और ट्रेंगल कौन से हैं इसमें दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है इसमें इसमें ट्रेंगल कितने बनेंगे बताओ जल्दी बताओ दो थोड़ी बनेंगे तीन बनेंगे इसमें ट्रेंगल अब देखो आप इसमें यहाँ से ये ये वर्टेक्स रह गए थे ना कितने ट्रेंगल हैं एक दो और ये तीन ट्रेंगल कितने इसमें ठीक है आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अगर इसमें साइड एक है तो बताओ साइड तीन है मतलब तीन बुझे तो ट्रेंगल कितना है एक और अगर साइड चार है तो ट्रेंगल कितने हैं अगर इसमें साइड पांच है तो ट्रेंगल कितने हैं तीन ये बात आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं ये बताओ आप जल्दी बताओ कोई दिक्कत है कि इसमें आपको जल्दी बताओ कोई अगर दिक्कत है तो किसी प्रकार की है कोई दिक्कत <coughs> अगर और ये ढंग से ध्यान से समझ में नहीं आया तो आप आपको मैं दोबारा से चित्र बना के बता देता हूं एक ये दो अब भी समझ में नहीं आया साइड कितनी है पांच है तो ट्रेंगल कितने हैं तीन है कि नहीं है बताओ आप मुझे है तो मैं थोड़ी सी चर्चा एक बार और कर देता हूं कि जो मैंने ये डायग्राम बनाया इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा ये क्या है इसमें ये क्या है देखो ये इंटीरियर एंगल क्या है देखो एक एंगल एक एंगल दो एंगल तीन इसमें देखो एंगल एक एंगल दो एंगल तीन और एंगल चार इसमें देखो एक बार एंगल एक एंगल दो एंगल तीन एंगल चार और एंगल पांच ये बात समझ में आ गई आपको इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ ये एक्सटीरियर एंगल होगा नहीं एंगल एक एंगल दो और ये एंगल तीन ये जो है इंटीरियर एंगल है ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है बात आ रही समझ में एंगल इसको भी आगे बढ़ा दी इस भुजा को एंगल एक एंगल दो और इस भुजा को आगे बढ़ा देंगे तो तीन और इस भुजा को आगे बढ़ा दो एक दो तीन और ये चार क्या होगा एंगल चार इस भुजा को आगे बढ़ा दो एंगल एक और एंगल दो एंगल तीन और एंगल चार और ये वाला एंगल एक दो तीन और ये चार पांच हो गए ना ठीक है मतलब अगर आप इसको नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूं इसको थोड़ी देर आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए इससे अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी अब मैं इसको आपको किससे कर देता हूँ डॉट डॉट लाइन से दर्शा देता हूँ ठीक है आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कितने हैं जितनी साइड से उतनी है क्या बताओ आप जल्दी से बताओ ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ध्यान देना आप अगर मैं बात करूं किसकी सबसे पहले बात किसकी करूंगा मैं बहुबुज के अंत है कोणों के योग की किसकी बात करूंगा? आपने भी इसे बेसिक समझ लिया ना साइड्स के बारे में जान लिया आपने आपने इंटीरियर एंगल के बारे में जान लिया आपने एक्सटीरियर एंगल के बारे में जान लिया और आपने डायग्नल्स के बारे में डायग्नल्स ये नहीं इनके बारे में आपने जान लिया मतलब बेसिक आपने इसमें जान लिया है ठीक है अब हम बात करेंगे किसकी अब हम बात करेंगे किसकी बताओ इस इंटीरियर एंगल की बहुभुज के अंतः कोणों का योग मैं कैसे निकालूंगा वो चीज आप सीखना चाहते हैं ठीक है और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि बहुभुज में सबसे मैं फिगर बना रहा हूं पहला ये क्या है आपका फिगर बताओ त्रिभुज क्या है त्रिभुज दूसरा फिगर क्या है ये आपका क्या है दूसरा फिगर है ठीक है और तीसरा फिगर कुछ इस तरीके से होगा ये तीसरा फिगर है आप इसमें बताओ कि इस फिगर में इस फिगर में क्या है साइड कितनी है बताओ आप साइड कितनी है तीन साइड है इसमें साइड कितनी है चार है इसमें साइड कितनी है पांच है ठीक है अगर साइड तीन है तो ट्रेंगल कितना है बताओ त्रिभुज कितना है एक त्रिभुज है कितना है और एंगल कितना है तीनों का योग का 180 डिग्री होता है क्या होता है बात आ रही है समझ में नहीं आ रही है इसमें अगर साइड दो है सॉरी साइड चार है तो ट्रेंगल कितने बन गए ट्रेंगल दो तो एंगल कितना होगा है बताओ? एंगल कितना होगा तीन सौ साठ होगा क्या ठीक है और इसमें ट्रेंगल कितने है बताओ कितना ट्रिंगल है बताओ आपको ये जो क्या दिख रहा है 360 540 मतलब बात आ रही समझ में आपको इसको आप क्या लिख सकते हैं इसको आप 2 इंटू वन एट्टी भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ट्रिंगल कितने हैं और एंगल कितना आ रहा है एक डिग्री इसको क्या लिख सकते हैं हम तीन इंटू वन एट्टी एंगल कितना आ रहा है बताओ बताओ कितना रहा है इसमें ट्रेंगल कितना है तो एक को तो वन एट्टी से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो कितना आएगा बताओ अभी ये बताओ त्रिभुज के इस इस बहुभुज के अंत कोणों का को योग इसका एक सौ डिग्री आएगा कि नहीं आएगा त्रिभुज का तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि एक सौ आएगा बात आ रही है नहीं आ रही समझ में? तो मेरी बात को ध्यान से समझना है आपको ठीक है अगर हमारी ये साइड अभी हमें पता है इसमें एन साइड कितनी है तीन है इसमें एन साइड चार है इसमें एन साइड कितनी है मतलब एन का मान पांच है अगर साइड क्या हो अगर हमें साइड नहीं पता हो अगर साइडों की संख्या एन हो क्या हो मेरी बात ध्यान से सुनना ये तीन है कि नहीं बताओ साइड तीन है इसमें तीन है कि नहीं बताओ और जब साइड तीन है यहां पर कितनी साइड है तीन है तो ट्रेंगल बताओ क्या आएगा साइड तीन है यहां पर और ट्रेंगल एक है कि नहीं ये बताओ मुझे आप तो तीन में से आप एक घटाओ तीन में से कितना घटाएंगे इस तीन में से एक घटाओ कितना बचेगा दो बचेगा कि नहीं बचेगा ही बताओ बचेगा ना किस में से घटा रहे हैं तीन में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा दो बचेगा और चार में से आप अगर दो घटाएंगे तो कितना बचेगा दो बचेगा अगर पांच में से तीन घटाएंगे तो कितना बचेगा तो भी दो बचेगा बात आई कि नहीं मेरी बात समझ में बताओ आ गए ना आ गए ना अब ध्यान देना है ये तीन चार पांच क्या है बताओ साइड्स हैं क्या है साइड्स अगर मैं एन में से अगर दो घटा दूं क्या घटा दूं एन में से अगर मैं दो घटा दूं और इसके पीछे वन एट्टी लिख दूं तो ये ट्रेंगल जो बनेगा जो ये फार्मूला बनेगा ये बनेगा किसका बहुभुज के अंतः कोणों का एन माइनस टू इन टू वन एट्टी डिग्री ये होता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र समझ में आया कि नहीं आए बताओ आप एक बार इसको वापस से देख सकते हैं एन का मान कितना है बताओ यहां पर एन का मान कितना है यहां पर तीन है ना तीन में से दो गए एक और एक को एक सस्ती से गुणा करेंगे तो एक सस्ती डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर मान लो एन का मान कितना है इसमें चार चार में से दो गए दो, दो को एक सौ से गुणा करेंगे कितना आएगा तीन साठ तो आ रहा है तीन सौ एन का मान पांच है पांच में से दो गए तो तीन तीन को एक सौ से गुणा करेंगे तो पांच सौ चालीस डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका मतलब अगर हम भुजाओं की संख्या एन मान लें तो एन में से अगर हम दो घटाए मतलब कोई भुजाओं की संख्या एन है मैं नहीं पता कितनी साइड है इसमें बहुभुज में, में पॉलीगन में हमने मान लिया एन अगर मैं एन में से दो घटाऊंगा और उसको एक सौ अस्सी से गुणा करूंगा तो बताओ बताओ एन माइनस दो इंटू एक सौ अस्सी डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ आ जाएगा ना ठीक है ना तो बात आप समझ गए होंगे ठीक है इसे यहां तक नोट कर लो देखो अभी तक हमने बहुभुज के अंतः कोणों के बारे में जाना अब हम जानेंगे बहुभुज के किस कोणों के बारे में बाह्य कोणों के बारे में ठीक है तो देखते हैं एक बार बहुभुज के अंतः कोणों के योग को हमने अच्छे से सीखा क्या होता है एन माइनस टू इंटू एक सौ अस्सी डिग्री अब हम जानेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है ठीक है ये हम जानने वाले हैं तो देखो मैंने एक फिगर बनाया है इसके अंदर एक त्रिभुज का फिगर बनाया है और ये त्रिभुज है आप ध्यान से इसको देखेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर जो ये बहुभुज है ये त्रिभुज एक प्रकार का पॉलीगन है इसके अंदर कैसे निकालते हैं हम ठीक है बाह्य कोणों के योग को किस प्रकार से निकाला जाता है ये जो भुजा है ये मैंने इसको आगे बढ़ा दिया बढ़ा दिया इस भुजा को मैंने क्या किया ऐसे आगे बढ़ा दिया और इस भुजा को मैंने क्या कर दिया इसको आगे बढ़ा दिया इस प्रकार से यह अंतः कोण है ये अंत कौन है और ये भी क्या है अंत कौन है जब इस भुजा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ठीक है इस भुजा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये वाला बाह्य कौन है ये वाला बाह्य कौन है और ये वाला क्या है इसका बाह्य कौन है बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में ये सरल रेखा पर एंगल कितना बनेगा बताओ हैं 180 डिग्री यहाँ पर भी 180 डिग्री यहाँ पर भी 180 डिग्री मतलब ये बाह्य प्लस ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर इन सबका तीन ऐसे एंगल हैं पर एक्सटीरियर एक्सटीरियर और इंटीरियर इंटीरियर बन रहे हैं तो 180 इनका योग होता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का ऐसे तीन बन रहे हैं तो कितना होगा बताओ 540 डिग्री बात आ रही है कि रही समझ में और ये त्रिभुज के अंत कोणों का को योग कितना होता है बता सकते हैं आप यहां से कितना होता है एक सौ अस्सी होता है एक त्रिभुज के अंत कोणों का योग ठीक है पाँच सौ चालीस में से एक सौ अस्सी जब आप घटाएंगे तो तीन सौ साठ डिग्री होता है ठीक है ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आया कैसे तीन सौ साठ डिग्री हालांकि बुक में और बताने वाले इसको डायरेक्ट बताते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग तीन सौ साठ डिग्री होता है आप ऐसे भी बता सकते हैं क्लियर एक नहीं क्लियर बताओ ये बात ठीक है मैं दूसरे इस डायग्राम से आपको बताता हूँ कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होता है मैंने एक चतुर्भुज बनाया एक चार हैं। इस तरीके से मैंने बना दी यहां पर ठीक है इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं ठीक है आप देखो इसमें ये एंगल जो है ये एंगल एक ये एंगल दो क्या है ये इंटीरियर एंगल है अंत है कौन तीन और ये क्या है चार ठीक है मैंने इस भुजा को इस तरीके से आगे बढ़ा दिया इस भुजा को इस तरीके से आगे बढ़ाया इस भुजा को मैंने इस तरीके से आगे बढ़ा दिया इसको इस तरीके से बढ़ाया ये सारे इंटीरियर एंगल हैं क्या हैं सारे ये इंटीरियर एंगल हैं, बात आ रही समझ में आप देखो इसको इसको इस तरीके से आप मुझे बताएं ये एक्सटीरियर है ये भी एक्सटीरियर है ये भी एक्सटीरियर है ये भी एक्सटीरियर तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का योग कितना होता है एक सौ अस्सी ऐसा चार बार है तो एक सौ अस्सी को मैं चार बार से गुणा कर दूंगा तो बताओ कितना आएगा बताओ सात सौ बीस आएगा कि नहीं आएगा और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है तीन सौ साठ होता है कि नहीं होता आप बताओ तीन सौ साठ अगर सात सौ बीस में से घटाएंगे तो कितना बताओ? 360 बचे कि बचेगा बताओ तीन सौ साठ डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ आ गई बहुभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है n माइनस टू इंटू वन डिग्री और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री मेरी बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ अब नेक्स्ट हमारा क्या है सी पॉइंट है क्या है अब सी पॉइंट बहुभुज के बहुभुज के प्रत्येक अंत कोण कौन प्रत्येक अंत कोण कौन के सभी अंत कौनों का योग क्या होता है एन माइनस टू इंटू एक अगर प्रत्येक का चाहिए तो क्या कर देंगे बस सिर्फ N का डिवाइड कर देंगे क्लियर है ना बात डी पॉइंट क्या आएगा आपका डी पॉइंट आएगा बहुभुज के बहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कौन अगर चाहिए बाह्य कौन अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे बस कुछ नहीं करना सबका तीन से साठ होता है कि नहीं तो बताओ अगर सिंगल का चाहिए तो क्या कर देंगे एन का डिवाइड कर देंगे ये बात आप समझ गए होंगे समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ आप ठीक है ना अब नेक्स्ट क्या है एक पॉइंट क्या है इसके अंदर अगर अंतः कौन एक अंतः कौन और प्लस में एक बाह्य कोण एक बाह्य कौन का अगर योग चाहिए मतलब एक इंटीरियर और प्लस में एक्सटीरियर एंगल का योग चाहिए तो कैसे आएगा आपको यहां से तो पता ही है ना कितना रहा है कितना रहा है 180 डिग्री लेकिन मैं आपको सिद्ध करके भी बता देता हूं कैसे एक अंत्य कौन ये है ना n माइनस टू इन टू में 180 बटा में क्या है बताओ एन प्लस एक भाई यह कौन क्या है तीन सौ साठ बटा में एन एन नीचे दोनों में सेम है तो यहाँ लिख देता हूँ आपका ये इधर लिख देता हूँ ये वाला एक सौ अस्सी को एन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा एक सौ अस्सी एन एक सौ अस्सी को दो से गुणा करेंगे माइनस तीन सौ साठ और प्लस का तीन सौ साठ है ही ठीक है ना और बटा में क्या आ जाएगा बताओ एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा एन एन सेम है ना तो एक एन लिख सकते हैं तीन से साठ से ये कट जाएगा एन से ये कट जाएगा एक सौ अस्सी एन में जब एन का भाग देंगे तो एक सौ अस्सी आ जाएगा इसलिए आप कह सकते हैं कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का योग कितना होता है एक सौ अस्सी डिग्री होता है आज हमने जाना किस किस के बारे में बहुभुज के प्रकार के बारे में उसके बाद हमने जाना कि बहुभुज के प्रकार किस प्रकार से होते हैं और जैसे दूसरा पॉइंट हमने जाना कि जो मुख्य आधार है बहुभुज का वो कितने प्रकार के होते हैं जैसे जैसे उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज समबाहु सम बहुभुज और समान कोणिक बहुभुज और विषम बाहु बहुभुज विषम कोणिक बहुभुज और सम बहुभुज ठीक है रेगुलर पॉलीगन आज हम ज्यादा हमने जो चर्चा की वो किसके बारे में की रेगुलर पॉलीगन के बारे में और सवाल जो आते हैं वो रेगुलर पॉलीगन से ही ज्यादा आते हैं ठीक है ना तो बहुबुज के बारे में हमने आज चर्चा की सेकंड जो हमने बात आपको बताई वो बताई आपको साइड्स के बारे में और जो मेन जो जो फीचर हमने बहुबुज के अंदर पढ़ा वो पढ़ा अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों का योग प्रत्येक अंतः कोण का योग प्रत्येक अंतः कोण फिर बाह्य कोण और फिर उसके बाद प्रत्येक एक कोण में प्रत्येक एक कोण का योग ठीक है एक सौ अस्सी डिग्री कैसे आया ये हमने जाना ठीक है आज तक इतना ही बाकी हम कल कल पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद